वो तो उसका किया था Hi everyone, good afternoon. My name is Ruchika Kapoor Sheikh and I lead Hindi original films for Netflix India. Thank you so much for being a part of the trailer launch of our very special film, Monica, Oh My Darling. India loves its movies and we at Netflix strive to bring the best movies to our audiences. We are the home to the most entertaining and clutter-breaking films with some of the top creators and the most prolific talent. And today's title, Monica, Oh My Darling, is testament to that. Headlined by a spectacular cast and a fantastic director, it's my honor to present to you the cast and crew of Monica, Oh My Darling. Helmed by Vasan Bala, whose creative mastery, whose knack of picking the most interesting stories remains unparalleled. He has been backed by veterans of the thriller genre in terms of producers, Sanjay Rautre, Diksha Rautre and Sarita Patel. And overseeing all of this with his blessings is the iconic Sriram Raghavan. Go, Sriram! Now, a great script only calls for a stellar cast. And the cast and the talent is headlined by Rajkumar Rao, Huma Qureshi, Radhika Apte, Akanksha Ranjan Kapoor, Sikandar Kher, Zain Marie Khan, Bhagavati Perumal, and Sukant Goyal. Thank you so much, guys, for putting together this film for us. And today, while we unveil the mystery of Monica, Oh My Darling, on the 11th of November, only on Netflix, you will help solve the mystery when it finally releases on the platform. So now, without taking too much time, this exciting, wildly entertaining whodunit thriller is yours to devour. I'd now like to pass the mic back to Varun Grover, who's not just the host for today, but has also done the lyrics for the fantastic music album of Monica, Oh My Darling. Thank you and enjoy this thrilling ride. Hi. Sorry, ye my... तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये वीडियो में भी हमने देखा आपकी हरकतें जो है ना। ये वीडियो आपको मिला कहाँ से? ये मैं सुबह 8 बजे से यहाँ हूँ। आपको किसने कहा कि मैं कमीना? मैं कोई कमीना मीना नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो प्रॉम्प्टर पे मैं पढ़ रहा था। आपने लिखी? मैं नहीं, मैंने नहीं लिखी। मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान मानता हूँ। आप तो सर्वश्रेष्ठ, इस कमरे में आपसे अच्छा कोई है नहीं। थैंक यू यार, मुझे लगा इतना अच्छा लिखते हैं ये सब थोड़ी दिखेंगे यार। हाँ मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, मैं फिर भी, लेकिन आप ऐसा कीजिए, मैं जाता हूँ, मैं थोड़ा अरुण, मैं कमीना नहीं हूँ, मैं एक्चुअली, थैंक यू सो मच, मैं आप सबको जो असली कमीने हैं ना इस केस के, उनसे मिलवाता हूँ मैं, जो हमारे सस्पेक्ट है। अब देखिए, सस्पेक्ट की बात हो रही है तो सबसे ऊपर जिसका नाम आता है हमारे सस्पेक्ट लिस्ट में, वो तो मोनिका। तो मैं आपको मिलाता हूं मोनिका मचाडो से, जो हमारी लिस्ट में है सबसे टॉप पे। ये सब जो हो रहा है ना, ये इस मोनिका ने किया है। हाय एवरीवन, देखिए गाइज, सबसे कमीना तो राज है, सबसे बड़ी हसीना मोनिका हो सकती है। यहाँ बात राज की नहीं, यहाँ बात जयंत की हो रही है। राज बिल्कुल कमीना नहीं है, राज ही कमी, ओ सॉरी सॉरी, फ्रॉइडियन स्लिप इट्स कॉल्ड। देखो मुझे पता है मोनिका, तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। तुम सब जो मिलकर मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हो, उसमें तुम्हारे साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेडी है हमारी, जो कॉप भी है। तो प्लीज वेलकम हमारी एसीपी नायडू। Hello. Hi.
गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. हाय गुड आफ्टरनून. हाय. इसलिए मैं अपना वॉलेट पहले मैं रख के आया हूं अपना वॉलेट. मुझे पता था ये सब हरकतें करती रहती हैं ये. अरे नहीं यार मेरा काम ही है ना. चेक कर रही थी बस. चेक कर रही थी कि वो किसी और का कार्ड है कि उसका कार्ड. देखो मैं कमीनी हूं नहीं. दो वजह है. एक तो मैं खुद पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और दूसरे तुम नेटफ्लिक्स के यहाँ खड़े हो यार. अरे मैं कैसे कमी नहीं हो सकती हूँ ना. ये मेरा ही है सब. That's true. Actually नहीं है. आप तो ये सब इन्हीं का ही है. इसको हम रेटफ्लिक्स भी बोलते हैं कभी कभी. करेक्ट. बल्कि मैं तो बात का नाम भी चेंज कर देता है कि राधिका ओ माय डार्लिंग कर देते हैं. अरे नहीं 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 वो ठीक है यार. हम दोनों मतलब इसने बहुत ट्राई किया गाइस एक इंसान ने सोशल मीडिया पे कि पिक्चर का नाम बदल के जयंत ओ माय सीओ रख लेते. देखो मेरे मतलब जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो अभी भी इसको जयंत ओ माय सीओ ही बोलते हैं. सर, तेरी फिल्म का बारी जयंत ओ माय सीओ. बाय शो ऑफ हैंड्स पता कर लेते. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. बट चलो जाने दो. अगले सस्पेक्ट को बुला लो आप. जाने दो. हाँ तो देखिए ये दोनों तो है ही बहुत तेज तर्रार. आपने देख ही लिया है. लेकिन एक हमारी फिल्म में एक लड़की है जो मेरी जैसी बहुत ही प्यारी सी भोली सी सूरत सच्चा मन उसको बुलाते हैं. प्लीज वेलकम निकी. मुझे अक्यूज कर रहे हो चाहिए. बिल्कुल नहीं. ये कमीनी नहीं हो सकती है. आई थॉट आई एम द लव ऑफ योर लाइफ. या यू आर. बिल्कुल ये कमीनी नहीं है गाइस. सारा शक इन लोगों पे बना के रखिए. ये हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स. लेकिन इसके बाद मैं इनको बुलाने जा रहा हूँ. एक्चुअली वो दो बहुत बड़े कमीने हैं जो मेरी कामयाबी से इतना जलते हैं ना. मतलब आप देखेंगे आपको समझ आएगा. प्लीज वेलकम निशिकांत एंड मिस्टर अरविंद. अरविंद सर. कहाँ है अरविंद सर. मैं साइड में चला जा. अरविंद सर ने कुछ कहा. अरविंद सर नहीं वो थोड़ा सा टाइम लेके आते हैं आ जाते हैं पर. अरे हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट. हाउ आर यू. हेलो सर. प्लीज प्लीज कम. वेलकम वेलकम. अभी इन सब के बाद एक मेरी फिल्म में बहुत प्यारी बहन है. बहुत ही स्वीट है. जो लगता नहीं मुझे कमी नहीं है पर यू नेवर नो. प्लीज वेलकम शालू. वेलकम शालू. बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं. मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ. तुम्हारी प्यारी सी छोटी सी बहना हूँ. मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ. लेकिन इन लोगों का पता नहीं ना. ये लोग तो सब पे शक कर रहे हैं क्योंकि जो वरुण है ना जिसने इतनी कमाल की राइटिंग लिखी है. मैंने तो ये रॉक म्यूजिक कभी सुना भी नहीं है. वो तो इन लोगों ने वीडियो बनाया ना तो पीछे साउंड में डाल देते हैं बाद में. यू वर लिसनिंग टू सम भजन साइनो. डेफिनेटली रियली सिंपल गर्ल. थैंक यू शालू. और इसके बाद मेरे एक बचपन के दोस्त जिनसे मैं बचपन से बहुत दूर होना चाहता हूं पर वो पीछा करते करते जवानी तक आ गए हैं. गौरव मोरे. ये है वो सारे कमीने. देख लीजिए शक्ल पहचान लीजिए. देखिए इन सब में सबसे बड़ा कमीना कौन है ये तो मुझे पता है. लेकिन बाद में आप सबसे ये पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कमीना कौन है. तो मैं अभी से बता दूं कि प्लीज मेरा नाम मत लेना. मैं बहुत अच्छा लड़का हूं. मैं बहुत सीधा लड़का हूं. लेकिन जिसने इन सबको कमीना बनाया अब उसे बुला लेते हैं स्टेज पर. प्लीज वेलकम आवर डायरेक्टर वासन बाला. गो वासन. स्टोरी को ढीला छोड़ने का ए सुपर. वासन एक बहुत कमाल के एक्टर भी है जैसे कि आपने देख ही लिया है. श्रीराम सर कोई रोल नेक्स्ट फिल्म में. इसके बाद जो हम सबको साथ में लेकर आए हैं जिनके बिना ये सब कभी नहीं हो पाता. प्लीज वेलकम आवर प्रोड्यूसर्स दीक्षा राउत्रे एंड सरिता पाटिल. Yes. नहीं नहीं ये कमी नहीं. कमीना मैं कमीना नहीं हूं. इसके बाद का मैं पढ़ लेता हूं. बहुत कुछ बोलना था मुझे. बहुत सारा बोलना है थोड़ा पढ़ लेता हूं मैं. या लेकिन अब देखिए ये है हमारी पूरी टीम. मैंने आपको बता दिया कि ये सब मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे. लेकिन आपका शक बिल्कुल भी मुझ पर आने मत देना जब आपसे पूछा जाएगा कि कमीना कौन है. हम एक यहाँ पे छोटा सा गेम भी खेलेंगे और ये मैं प्रूव भी कर सकता हूँ एक्चुअली क्योंकि उसके लिए मेरे पास कुछ है जो मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं. गाइस लेट देम वॉच एंड डिसाइड.
तो देख ही लिया आपने ये लोग क्या डिफेंड कर रहे थे. अब किस मुंह से डिफेंड करोगे अपने आप को आप लोग, बहुत सारे यहाँ पे. तो जब तक कुर्सियां लगती हैं तब तक मैं, श्रीराम राघवन सर यहाँ पे हैं जो मर्डर स्पेशलिस्ट हैं, मतलब फिल्मों में. तो आपको क्या लगता है इस ट्रेलर में देख के आपको क्या लगा कि कौन असली खूनी या खूनियों का गैंग कौन है? कभी बोलना नहीं चाहिए किसने क्या किया है, मैं तो कहानी जानता हूँ. तो हाँ, तो हम लोग धीरे धीरे अभी असल में हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे. वैसे फिल्म देखेंगे तो असली मजा तब आएगा आपको, लेकिन फिर भी आज अब यहाँ आ गए इतने लोग हम आप, और डेमोक्रेसी है हमारी, तो हम सब लोग मिलके वोटिंग करेंगे कि कौन. आप प्लीज अपनी अपनी कुर्सियां आप संभालें. भगवती सर यहाँ पे, सुकांत, तो प्लीज आप, और वहां पे क्यू कार्ड्स कुछ रखे हुए हैं वो मैं समझाऊंगा कि क्या है, घबराइएगा नहीं, आपके लिए ही है. तो मैंने अभी ट्रेलर देखा तो मुझे तो एक फिल्म की याद आई, हम आपके हैं कौन की. इट इज लाइक अ सूरज बढ़ जाती है फिल्म विद फाइव मर्डरर्स इन द फैमिली काइंड ऑफ अ थिंग. इट्स अ वेरी, व्हाट फिल्म आर यू सीइंग? इट्स अ फैमिली फिल्म विद मर्डर्स. बट अब हम एक गेम खेलेंगे, एक नहीं तीन चार गेम खेलेंगे, जिसमें कि हम धीरे धीरे पता लगाएंगे कि इन लोगों का असली किरदार क्या है. और उस गेम के लिए आपके पास वोटिंग मशीन्स भी हैं, मुझे ऐसा बताया गया है, पता नहीं सच है क्या है. हैं? अरे वाह, क्या बात है. तो आप लोग भी वोटिंग करेंगे, पहले ये लोग आपस में खेलेंगे, फिर एक पॉइंट पे हम आपके पास आएंगे जहां आप लोग वोटिंग करेंगे. तो टीम के हिसाब से हम लोग बैठे हैं क्या? नहीं, हम एकदम टीम हमने तोड़ दी है यहाँ. टीम असल में थोड़ा सा हमको रीअरेंज करना पड़ेगा. राजकुमार राव और उनके साथ सिकंदर खेर, बीच में हम दूर रहकर भी एक टीम है, डोंट वरी. ठीक है, तो दूर बैठ के कोई नहीं, अब जोड़ नहीं सकते हम लोग कुर्सियां रैंडमली लगाए. क्यू कार्ड्स नहीं है मेरे पास. आपको क्यू कार्ड की जरूरत नहीं है, आपकी आंखें काफी हैं. आपको जब भी कुछ समझ नहीं आए आप एक अनिल कपूर इंप्रेशन कर दीजिएगा हमारे लिए. फैंटास्टिक सुपर. तो हमारे पास यहाँ टीम्स हैं, मैं टीम बता देता हूँ जस्ट. तो राजकुमार राव, सिकंदर खेर, वासनवाला एक टीम में हैं, हुमा, आकांक्षा, जैन और दीक्षा जी एक टीम में हैं, सुकांत, भगवती सर, राधिका और सरिता जी एक टीम में हैं. ठीक है, सबको पता चल गया अपनी अपनी टीम्स. तो अब गेम एक खेलेंगे हम, जिसमें कि आपको अपने बारे में एक स्टेटमेंट बोलना है, एक स्टेटमेंट. ओके. तीन स्टेटमेंट हर टीम में से बोले जाएंगे और उन तीन में से दो झूठ होंगे एक सच होगा. बाकी टीम्स को गेस करना है कि सच कौन सा है. दो झूठ एक सच यहां पे आपके सामने पेश किए जाएंगे हर टीम की तरफ से. सबसे पहले जो टीम है, जो कि राजकुमार राव, सिकंदर खेर और वासनवाला की जो टीम है, वो अपने अपने बारे में एक एक स्टेटमेंट बोलेंगे. इट कैन बी आइदर सच और झूठ. हाँ, वो सच हो या झूठ हो वो आप डिसाइड करें, लेकिन बाकी टीम बताएंगी कि वो सच है कि झूठ है. अपने अपने, हाँ, तो राजकुमार राव अपने बारे में बोलेंगे, वासनवाला अपने बारे में बोलेंगे, सिकंदर खेर अपने बारे में बोलेंगे. वैसे ही जब आपकी टीम की बारी आएगी राधिका, आप अपने बारे में बताएंगी जो भी आपका स्टेटमेंट है. ठीक है, और बाकी टीम्स को गेस करना है कि उसमें सच कौन सा है और झूठ कौन सा. सिकु से समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सिकु से समथिंग. एनीथिंग अबाउट माय सेल्फ. क्यू कार्ड को है, गिव हिम अ क्यू कार्ड ना. चलो एक क्यू कार्ड, एक हम टेस्ट राउंड कर लेते हैं जिसमें सिकंदर खेर अपने बारे में एक स्टेटमेंट बोलेंगे, हम सब मिलकर गेस करते हैं कि सच है कि झूठ है. तो अनिल कपूर ने मुझसे कहा था कि तू मुझे होगा, मुझे, इसलिए मैंने मुझे उगाई. वाह, क्या बात है. क्या लग रहा है आप लोगों को, ये सच है? जो लोगों को लगता है ये सच है हाथ उठाएं. एक सेकंड, वन सेकंड बिफोर वी आंसर दैट, इसको बोलो कहीं लिख देगी ये, तो आंसर बदल भी सकता है. नहीं नहीं नहीं, ये चीटर है. नहीं नहीं नहीं, अच्छा. अरे ये बहुत बड़ा चीटर है ये. अरे बहुत सच्ची टीम है. उमा, इतने कम भरोसे के साथ हम इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे सर. थोड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया है इसीलिए भरोसा उठ चुका है. इतना तो करना पड़ेगा. तो पहले तो यहाँ स्टेज पे कितने लोगों को लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि इनकी मूछें जो है अनिल कपूर की वजह से हैं. एक, दो, तीन, चार.
अच्छा 50-50 है रफली, एक दो तीन लोग हैं जो नहीं मानते हैं, बाकी सब मानते हैं। और ऑडियंस में से कितने लोग हैं जो मानते हैं कि इन्होंने मूछें अनिल कपूर की वजह से उगाई हैं? बहुत कम लोग हैं वहां पे। अब ठीक है, अब सच का सामना, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, क्या ये सच है? सच बिल्कुल नहीं है। वो तो एक्चुअली जेलस हो गए, लाइक मुंडवा मुझे बोलते हो। वही मैंने सोचा, अगर ये सच है तो ये बहुत दुखदाई सच है। ये ऐसा मतलब पूरा आपने किरदार बना लिया अनिल कपूर के कहने पर। नहीं नहीं, ओके थैंक यू। तो ये अब टेस्ट हो गया इस तरह के, अपने अपने बारे में एक एक स्टेटमेंट बोलेंगे। दो नाउ द बार हैज बीन सेट वेरी हाई विद दैट अनिल कपूर स्टेटमेंट, बट लेट सी। सो टीम वन जो है, टीम वन राजकुमार राव, सिकंदर खेर, वासन बाला, अपने बारे में एक एक स्टेटमेंट आप प्लीज पेश कीजिए। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आने के पहले मैंने एक तमिल नॉवल लिखा है जो पब्लिश भी हुआ था और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी था, बट क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पोन्नियिन सेल्वन के बारे में भी नहीं पता था हिंदी बेल्ट में, इस नॉवल के बारे में भी शायद नहीं पता होगा, पर ये सच है। Wow. क्या एक्टर है यार, बाप रे क्या खतरनाक एक्टर है ये वासन बाला। ओके, स्टोरी को ढीला नहीं छोड़ा है, एकदम कस के, स्टोरी को इतना कस के मत पकड़ो। ये स्टेटमेंट अगर तुमने तमिल में बोला होता तो ज्यादा बिलीवेबल होता। यहाँ पे तो बोलते हैं यार सबटाइटल के साथ मत देखो, डब्ड ही देखो, तो मेरा भी भरोसा उठ चुका है। ओके लवली, राजकुमार राव आप क्या बोलेंगे? मुझे अनिल कपूर ने कहा था कि तू मुझे कभी मत रखना। ओके आप थर्ड कौन है इस टीम में? सिकंदर खेर। सब अनिल कपूर से आगे हम बढ़ सकते हैं। रिकॉर्ड पे कुछ लिखा हुआ है? नहीं नहीं, मेरा एक्चुअली, अच्छा ठीक है, मैं सीरियसली बता दूं कि मैं मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूं। वाओ, ओके आप ही पढ़ लीजिए मेरा वाला जो लिखा हुआ है। नहीं नहीं, आप बनाइए, बताइए, कुछ भी बना लो। हां जो आपको अच्छा लगे झूठ के बीच का। डॉक्टर ने मुझे एक बार कहा था कि मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊं क्योंकि मेरे मसल्स बहुत बढ़ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ओके, सो तीन स्टेटमेंट यहां आ गए हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से डॉक्टर ने इनको कुछ कहा था। किसके टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहे थे? टेस्टोस्टेरोन कुछ ज्यादा ही है आपके कि डॉक्टर के? नहीं नहीं, मेरे टेस्टोस्टेरोन। आपके? अरे वरुण, बाल मेरे देखे तुमने? पर ऐसा आप क्या खाना खा रहे थे? नहीं, पब्लिक ये जानना चाहती है। बस बोल दिया जो भी खा रहे हो मत खाओ तुम। अच्छा ठीक है, तो एक हो गया टेस्टोस्टेरोन का, बढ़ रहे हैं उनके, एक हो गया टाइक्वांडो के चैंपियन है, और एक है जिन्होंने तमिल नॉवेल लिखा है यहाँ आने से पहले, अनुराग कश्यप के मिलने से पहले, अनुराग कश्यप से मिलने से पहले, विच इज अराउंड 2008 से पहले आपने तमिल लिखा था। ये मद्रास टॉकीज में भी गया था मैं उसको लेके। ओके, अडैप्टेशन के लिए। सो अब आप बताएं यहाँ पे किसको लग रहा है इनमें से सच कौन सा है? इन तीनों में एक सच है, दो झूठ है। वासन इज टेलिंग द ट्रूथ। वासन का झूठ है, सच है, सच है, वासन का सच है। आप किसका? वासन का। सो भगवती सर कह रहे हैं, अरविंद स्वामी सर कह रहे हैं वासन झूठ बोल रहा है, उधर से कहा गया है कि किसने कहा? Can I say something? I think हम ये गेम गलत खेल रहे हैं, तो सब तीन की गलती है। They are meant to be right. एक सच है, दो झूठ हैं, तो एक सच कौन सा है? उनका तो बिल्कुल नहीं है, आप तो डॉक्टर को ले आए। सिकंदर का सच, सिकंदर जो बोल रहा है वो सच। अच्छा, सिकंदर जो कह रहे हैं वो सच है। Who's being honest? ओके, तो सिकंदर बाबू आप बता दीजिए आपका सच है क्या? नहीं, बट थैंक्स फॉर द कॉन्फिडेंस मैम। झूठ है, और अगले फिल्म में भी याद रखना, झूठ है। वासन तुम्हारा? मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं बहुत सीधा लड़का हूँ, मैं सच बोलता हूँ। आपका सच है, आप ताइक्वांडो चैंपियन है। ये मैं नहीं मानती। वाओ, ओके, फिल्म है, एक नई चीज आज पता चली है फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की वजह। थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन राज सर को बोलिए, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन। ताइक्वांडो चैंपियन है, कोई ऐसे जलता हुआ ईट लेके आओ सर। किसको डेमो चाहिए? यहाँ आके खड़े हो जाइए। ओके, सो वी आर डन विद फर्स्ट राउंड, फर्स्ट टीम का। सॉरी, हम आप पे आएंगे इसके बाद, आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। ये दूसरा राउंड जो है, दूसरी टीम पे हम आते हैं। दूसरी टीम में हैं हुमा, जैन और आकांक्षा, तो आप लोग अपने अपने बारे में एक एक सच या झूठ बताएं। सो मैं
Akansha, who's me, who plays Nikki, only loves Jayant because he's from IIT and she could never get in. So Nikki ke baare mein hai. Okay. But you only love Jayant because he's from IIT? Yes. Achha. Okay. She's a gold digger. G-O-A-L. Gold digger. Oh, nice. जी हुमा जी आपका क्या कहना है आई थिंक कोविड में मेरे पास बहुत समय था तो मैंने एक नॉवल लिखी जो अगले साल हार्पर कॉलिंस पब्लिश करने वाली है आई एम गोइंग टू बी एन ऑथर अच्छा सब राइटर बैठे हैं यहाँ तीसरा जो है ज़ेन आप क्या कहना एंड सुपर हीरो फैंटेसी फिक्शन आई एक्चुअली होल्ड द रिकॉर्ड फॉर ईटिंग 300 M&M's इन वन गो M&M? In one sitting. Okay. M&M rapper सोच रहा था. तो M. अच्छा rapper में ही आता है वो भी ठीक बात है बहुत बढ़िया. तो तीन statement यहाँ आ गए हैं M&M खाएं इन्होंने 300 कोई competition में कि ऐसे ही. Any single Tuesday is fine. मतलब ऐसे घर पे बैठ के. But I have a record. Like I hold the record for that. Okay. ठीक है. देखते हैं पता नहीं दूसरा आपने आपने एक नॉवेल लिखा है आपका ये कहना है और आपका कहना है कि निक्की जो है वो गोल्ड डिगर है गोल्ड डिगर जी ओ ए एल गोल्ड डिगर ये क्या होता है जी ओ ए एल जो हिंदी में समझाओ इंग्लिश में समझाओ अच्छा मतलब किसी भी भाषा जो मुझे समझ आती है पंजाबी में भी समझा सकते हो जो सक्सेस के पीछे भागती है अच्छा ओ गोल गोल अचीवर वाला गोल हाँ ठीक है जी अच्छा तो अब बाकियों को क्या लगता है वासन व्हाट डू यू थिंक इन तीनों में से सच क्या है मेरे को तो हुमा का सच लग रहा है हाँ हुमा की yes. क्योंकि तुमने अपने नॉवेल के बारे में झूठ बोला और क्योंकि वो भी मेरा सच मानती है अच्छा अच्छा मैंने भी आपको सच माना राधिका व्हाट डू यू थिंक तीनों में से कौन सच है मुझे लगता है ये सच है वेन सेम 300 M&M's हाँ वो तो खा सकते हैं यार 300 M&M's 300 हाँ यार You are projecting your wish onto other people. Okay, good. Choose that. तो मेरे ख्याल से अब सच बताने का समय आ गया है सबसे पहले आप जिन आपने सच बोला था क्या कभी नहीं कभी नहीं okay, कभी नहीं ओके गुड हुमा आपका सच I've actually written a novel. क्या बात है और आपका जो सच था वो पूरा सच नहीं है इसका आधा सच है आकांक्षा करती है निकी नहीं ओके थर्ड सेट तीसरी टीम भगवती पेरुमल राधिका आप्टे एंड सरिता पाटिल एंड दीक्षा जी आप में से सबको अपने बारे में एक एक सच या झूठ बोलना है अपने बारे में एक सच या झूठ बोलना है और फिर हम लोग गेस करेंगे कि वो सच है या झूठ है तो मेरे कार्ड पे तो राधिका के बारे में लिखा हुआ है कुछ नहीं नहीं एक्सट्रीमली सीक्रेट हाँ वो नहीं नहीं तो कुछ भी आप अनिल कपूर ने आपको क्या कहा ऐसा कुछ बता दीजिए ये वो नहीं है आपके बारे में बोलो यहाँ पे वरुण कुछ वेग सा लिखा है कि कुछ आप उसको छोड़ दीजिए आप अपने बारे में एक सच मैं एक्चुअली एक कल्ट ग्रुप की पार्ट हूँ यू नो एक सीक्रेट कल्ट ग्रुप की मैं पार्ट हूँ okay. ये बताना मैं चाह नहीं रही थी हाँ, लेकिन बट, अब सच इतने लोग हैं इतने लोग हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे मुंह से कुछ सच निकल जाए तो यही निकल गया ठीक है बहुत बढ़िया राधिका आप कुछ सच या झूठ बताना चाहती हैं आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल एमीज Okay. ये जो सटल प्लग इन किया है ना इसने अपना एमी बाय द वे शर्म आनी चाहिए तुम्हें क्या बात है और सरिता जी नेशनल प्रेस में पढ़ा भी है हाँ सरिता जी आप अपने बारे में क्या सच या झूठ बताना चाहती हैं मैंने बीए किया है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बीए किया है ओके बीए होता म्यूजिक में अच्छा unofficial chess rating is around 2100 in on chess.com yeah your really. rating is what 2000 100 nearly wow
Okay, that's probably among the top 1% of the world, I think. No, no, it's 2,700 is the grandmaster level. Yeah, so I'm saying it's like really, really high. Wow. Okay, so he is now claiming to be a chess champion. Among us. Diksha ji is saying she is part of a cult, a secret cult. Sarita ji is saying she is a BA in classical music. And Radhika, you have said you have been nominated for an international Emmy. I think all four are true, probably, but let's see. Yeah, aap shuru karein. Sach, nahin, pehle toh baaki logon ko kya lag raha hai? I think Bakso and Radhika. He is saying the truth. One true. Oh, one true. Radhika. Okay, Radhika is telling the truth. But I think Radhika, but Radhika is vague. Hai. मुझे पता है she's been nominated. हाँ, मतलब राधिका dropped the easiest GK question. राधिका nominated है बहुत. अरे तुमने लिखवाया ये. Improvise. अच्छा तो चलो next time. मेरे को लग रहा है कि सारिता is true क्योंकि आप उनको कभी फोन करेगा उनके हलों में भी ऐसा सुर लगता है. Oh. तो उन्होंने जरूर किया भी है. अच्छा okay तो आपको ये लग रहा है राजकुमार जी आपको क्या लग रहा है मुझे तो राधिका ही लग रही है राधिका इंटरनेशनल एमी मतलब हाँ होना ही चाहिए वो तो बोल ही रहे हैं वो तो अब सबको पता है यहाँ पे वो तो मतलब गूगल कर लिया होगा मुझे तो उसी टाइम पता चला हाँ एक एमीज होता है इंटरनेशनल एमीज होता है हाँ बट इनके बारे में क्या लग रहा है ये चेस चैंपियन है ये चेस चैंपियन है ये नहीं चेस नहीं है वर्ल्ड में या ये लूडो चैंपियन है आई थिंक नॉट चेस चैंपियन लूडो चैंपियन है ओके सिकंदर जी आपको क्या लग रहा है इनके क्लेम के बारे में That she is a member of a cult. की वो cult की member. Okay. वो तो. Wow. मैं माफ़ नहीं भेज दिया मैंने. Amazing. So अब सच बताने का समय आ गया है आप बताएं. सबसे पहले. That remains a secret. ये सच है. दीक्षा जी, आपका statement सच है क्या? सच है. Wow. Okay. No, Varun. Sorry. काफी. Okay. ठीक है. बहुत बढ़िया. आपका काफी convincingly बोला था आपने लेकिन. सरिता जी. नहीं नहीं झूठ है मैं बीए नहीं हूँ मुझे लगा बीए नहीं होता होता है बी म्यूज होता है समथिंग लाइक बैचलर ऑफ म्यूजिक जैसा कुछ ओके राधिका आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं है आई थिंक बट इट्स प्रॉब्ली द ओनली मजाक कर यू नो फॉल्स पार्ट इज दैट यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर ओनली वन इंटरनेशनल एमी प्रॉब्ली मोर देन वन नो या नो नो या ओके एंड यू आर एक्चुअली अ चेस चैंपियन Wow. Yeah. I was right. Both of them were right. Yeah, yeah. You were right. You were absolutely right. So, यहाँ पे अब हम आपके साथ कुछ खेलेंगे. ये एक राउंड हो गया है. Thank you, everyone. So, for sharing such really dark secrets of your lives. अब हम audience के साथ अब पेश करेंगे. आगे ये ऊपर. लेकिन ए बी सी का वोट 23% क्या वो लोग वोट करेंगे ए बी और सी ट्रूथ कौन सा गाइस इनमें से वोट करो व्हाट डू थिंक इज द ट्रूथ ए बी और सी ओके ए बी या सी क्वेश्चन ये है कि देखो ये तीन स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट है कि हुमा ने कुछ रेसिपीज लिखे हैं जो कि मेरे डैड के रेस्टोरेंट के हैं और वो मिशलिन स्टार शेफ्स ने लिखे हैं उनके लिए है और सिकंदर का इसमें वो है कि उसको एक डॉक्टर ने कहा था कि आप एक्सरसाइजेस मत करो बिकॉज आपके मसल्स बहुत बड़े हैं बता चुका और भगवती का है कि उनका निकनेम बक्स है तो ए बी सी में से आप वोट कीजिए कि आपको क्या लगता है सही है इनमें से सब सच कौन सा है ए बी सी वोट कर दीजिए तो मैंने वो गेम का जो फर्स्ट राउंड है हाय This is Shubhajit here from IWM Buzz. First of all, congratulations for this. I hope that 14th November ko actually Monica, my darling, ko sab log bole apna darling. 11th. Wo mere mandir mein andar hi andar darling chal raha hai, isliye galat date bol diya. But first question is for Raj. I want to know from your end. Everybody's talking about this project. You have had a fantastic career so far in terms of the versatility that you have shown. Yahan pe it's kind of different vibe altogether in terms of how you're projecting yourself. Over the years, अगर मैं आपको पूछूं कि that one I would say personality development that you have had in your career as an actor, which you have actually inculcated in your own personality, वो क्या होगा? In my own personality from a film of mine, I've taken few things from few of my characters. Like I've taken few things from Newton, his sincerity and his dedication towards his job. I picked it up from there. I've learned a lot from Shahid.
दैट यू नो उसमें एक डायलॉग है कि वक्त लगता है पर हो जाता है, आई रियली बिलीव इन दैट. इससे मैंने सीखा है कि भैया बी ऑनेस्ट इन लाइफ. कभी फंसो तो रायता जितना समेटने की कोशिश करोगे उतना फैलता जाएगा, तो बेटर है कि पहले जाके उस रायते को आप फैलने से रोक लो. अपार्ट फ्रॉम दैट, या देर हर कैरेक्टर से जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ सीखो, कुछ कैरेक्टर से एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, बट जिनसे मैंने सीखा वो ये सब है. एंड वन क्वेश्चन फॉर ज़ेन एज वेल ओवर हियर. इफ राजकुमार वॉज एक्चुअली योर ब्रदर एंड यू एक्चुअली हैड टू मेक लाइक एन यू नो वेरी स्वीट सिस्टरली डिमांड यू नो टू हिम, वो क्या डिमांड रहता? I would just want to keep working with him because he's a really, really wonderful co-actor. So thank I would say ki nepotism. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, Ruchika, to your left. Here. Hi, I'm Aditi from E Times. I really loved the tone and trailer of MOMD, and after delivering titles like Darlings and Jogi, these films have been widely loved and appreciated, and I'm sure MOMD will also create the right buzz. So, you know, what's next for films in India? What's your strategy now?